ऑब्जेक्टिव है लेबलिंग पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। तो सिमिलरली बिफोर मूविंग फर्दर हमें माइक्रोमीटर के भी बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन मालूम होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर डायमीटर और लेंथ ऑफ एनी 3D ऑब्जेक्ट। तो लाइक वर्नियर कैलिपर हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज भी एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जो डिफरेंट 3D ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर और लेंथ मेजर करने के लिए काम आता है। और डायमीटर में भी कौन सा डायमीटर? एक्सटर्नल डायमीटर। तो सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर हमारे पास यहाँ पर भी माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का एक यही ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक की रेंज में ही वैल्यू मेजर कर सकता है। इट इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर इन मेजरिंग स्मॉल लेंथ और डायमीटर। यानी कि माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज स्मॉल लेंथ या डायमीटर मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेट है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी थिन वायर का डायमीटर मेजर करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्नियर कैलिपर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज को ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो आए अब हम अपने माइक्रोमीटर के कुछ लेबल्ड पार्ट्स को देखते हैं। तो सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर हमारे पास माइक्रोमीटर के अंदर भी 2 जॉज होते हैं जिसमें से एक जो स्टेशनरी होता है और दूसरा जो मोबाइल होता है। तो जो स्टेशनरी वाला जो होता है हमारे पास उसको कहते हैं हम एनविल, और इसके बाद जो हमारे पास मूवेबल जो होता है उसे हम कहते हैं स्पिंडल। जिस तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल होती है इसी तरह हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में भी एक मेन स्केल होती है। मगर इसके बाद जिस तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल होती है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में थिम्बल स्केल होती है। इसके बाद जिस तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल मूवेबल होती है इसी तरह हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में थिम्बल स्केल भी मूवेबल होती है, और इसे मूव कराने के जो हमारे पास पार्ट होता है उसे हम कहते हैं थिम्बल। इसके बाद लास्टली जिस तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर में लॉक स्क्रू होता है इसी तरह हमारे पास माइक्रोमीटर के अंदर एक स्क्रू होता है जिसे हम रैचेट कहते हैं। यानी कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को जॉज के दरमियान में फिक्स कर लेते हैं तो हम इस स्क्रू को टाइट कर लेते हैं ताकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव भी हो जाए तो भी हमारे पास हमारी एक्यूरेट रीडिंग आए। अच्छा, तो आए अब हम सीखते हैं कि माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज को किस तरह यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर निकाल सकते हैं। तो आए अब हम रीडिंग निकालने के स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, आफ्टर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन एनविल एंड स्पिंडल फर्स्ट टेक आउट द रीडिंग फ्रॉम मेन स्केल। यानी अगेन सिमिलरली हम जिस तरह वर्नियर कैलिपर पर सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग निकालते हैं हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में भी सबसे पहले मेन स्केल की ही रीडिंग निकालते हैं। देन वर्क आउट द रीडिंग फ्रॉम थिम्बल स्केल। यानी जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हम मेन स्केल की रीडिंग निकालने के बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के केस में हम मेन स्केल की रीडिंग निकालने के बाद थिम्बल स्केल की रीडिंग निकालते हैं। इसके बाद थर्डली मल्टीप्लाई द रीडिंग फ्रॉम द थिम्बल स्केल विद द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। यानी अगेन जिस तरह हम वर्नियर स्केल से रीडिंग निकालने के बाद उसे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम थिम्बल स्केल की रीडिंग निकालने के बाद उसे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्टली अगेन सेम, एड योर आंसर इन पार्ट 1 विद योर आंसर इन पार्ट 3 टू गेट योर फाइनल रीडिंग। यानी दोबारा सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर हम यहाँ पर मेन स्केल और हमारे पार्ट 3 के आंसर जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है थिम्बल स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट का उसका सम लें। तो यहाँ भी आगे बढ़ने से पहले आए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आए अब हम इस पार्ट का सबसे मेन की पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम की पॉइंट है कि ऑलवेज टेक द लीस्ट काउंट इन द सेम यूनिट एज ऑफ द मेन स्केल रीडिंग। यानी कि हमारे पास मेन स्केल से आने वाली जो रीडिंग का यूनिट होता है उसी सेम यूनिट के अंदर हमें अपना लीस्ट काउंट लेना होता है जिसे हमें थिम्बल स्केल की रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। अच्छा, तो आया अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए और हमारे की पॉइंट्स को देखते हुए अब हम माइक्रोमीटर से रीडिंग निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टेप के मुताबिक हमें सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग निकालनी है। तो आया अब हम सीखते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग हम माइक्रोमीटर में किस तरह निकालते हैं। अच्छा, तो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये सारे डिविजन्स एक पूरे होल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये फर्स्ट डिवीजन हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद सेकंड डिवीजन हमारे पास 2 है, इसके बाद 3 है और इसके बाद 4 है। इसके बाद जो हमें यहाँ पर नीचे डिवीजन शो हो रहे हैं वो हमारे पास ऊपर वाले होल यूनिट की हाफ वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी नीचे वाले डिवीजन में से सबसे पहला डिवीजन है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर का, उसके बाद फिर 1.5 मिलीमीटर का, उसके बाद फिर 2.5 मिलीमीटर का और इसी तरह सो ऑन। तो मेन स्केल से रीडिंग निकालने के लिए हमें माइक्रोमीटर पे इस बाउंड्री को कंसीडर करना होता है। इस बाउंड्री से पहले जो भी हमारे पास डिवीजन विजिबल होगा उसे हम अपनी मेन स्केल की रीडिंग मानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास फर्स्ट डिवीजन 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो क्योंकि हमारे पास फोर्थ वाली डिवीजन
इस बाउंड्री के पीछे हमें क्लियरली विजिबल है, तो इसलिए हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी 4 मिलीमीटर। तो अब जब हमने अपनी मेन स्केल रीडिंग निकालना सीख ली है, तो आए अब हम अपने सेकंड स्टेप के मुताबिक थिम्बल स्केल रीडिंग निकालना सीखते हैं। तो थिम्बल स्केल रीडिंग हम इस लाइन को कंसीडर करते हुए निकालते हैं। तो ये लाइन हमारे पास थिम्बल स्केल पे जहाँ भी मार्क करेगी, हम वहाँ से अपनी रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम नोटिस करें, तो हमारी मीन लाइन हमारे पास थिम्बल स्केल के 17th और 18th डिवीजन के बीच में कहीं आ रही है। तो जैसे हम वर्नियर कैलिपर में करते थे, हम आगे वाली डिवीजन को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि पीछे वाली डिवीजन को कंसीडर करेंगे, विच इज 17। तो इस तरह हमारे पास हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग आ गई 17। और सिमिलर टू वर्नियर स्केल रीडिंग, हमारे पास थिम्बल स्केल रीडिंग का भी कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए हम इसे भी DIV से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब हमारे पास डिवीजन होता है। तो अब जब हमने अपने थिम्बल स्केल रीडिंग निकाल ली है, तो आए अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमें हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग को हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइक्रोमीटर के दो लीस्ट काउंट है, एक मिलीमीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। तो जैसे हमारे अबव मेंशन की पॉइंट में लिखा हुआ था कि जिस यूनिट में हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होती है, उसी यूनिट में हम अपना लीस्ट काउंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है इन मिलीमीटर, तो इसलिए हम अपना लीस्ट काउंट भी इन मिलीमीटर लेंगे। तो अब हमारे पास हमारा लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 0.17। तो अब जब हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है, तो आए अब हम अपने स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें हमें हमारे थर्ड पार्ट के आंसर और मेन स्केल रीडिंग का सम लेना है। तो अब इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 4.17 मिलीमीटर। तो इस तरह हमने अपने स्टेप्स फॉलो करते हुए माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में से अपनी फाइनल रीडिंग निकाल ली है। तो आए अब हम अपने नेक्स्ट वर्क एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ भी अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हुए आए हम सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास इस बाउंड्री से पहले हमारी जो भी डिवीजन हमें क्लियरली नजर आ रही होगी, उसे हम अपनी मेन स्केल की फाइनल रीडिंग कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, हमारे पास ऊपर वाली डिवीजन होल यूनिट को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली डिवीजन हाफ यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, तो लास्ट क्लियरली विजिबल डिवीजन हमारे पास 16.5 वाली है। तो इसी वजह से हमारे पास हमारी मेन स्केल रीडिंग आ गई 16.5 मिलीमीटर। तो अब जब हमने अपनी मेन स्केल रीडिंग निकाल ली है, तो आए अब हम अपने सेकंड स्टेप के मुताबिक थिम्बल स्केल रीडिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हमारी थिम्बल स्केल की रीडिंग कुछ जूम इन करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम अगर हमारी इस मीन लाइन को कंसीडर करें, तो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि हमारी मीन लाइन थिम्बल स्केल पे 28 डिवीजन के स्लाइटली बिलो है। तो यहाँ भी अगेन हमारे रूल के मुताबिक, क्योंकि हमारी मीन लाइन थिम्बल स्केल पे 28 डिवीजन के स्लाइटली बिलो है, तो हम अपनी 28 डिवीजन को कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि 98 डिवीजन को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए अब हमारे पास हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग आ गई 19। और जैसे कि हमें मालूम कि हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग के पास कोई यूनिट नहीं होता, तो इसलिए हम इसे DIV से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब डिवीजन होता है। तो आए अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग को हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ हम हमारा लीस्ट काउंट लेंगे 0.01 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग इन मिलीमीटर्स है। तो हमारे इस लीस्ट काउंट को हम हमारे थिम्बल स्केल रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आता है 0.19। तो लास्टली अगेन हमारे फोर्थ स्टेप के मुताबिक हम अपने थर्ड आंसर को हमारी मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे। तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आता है 16.69 मिलीमीटर। तो इस तरह अगेन हमने अपने स्टेप्स फॉलो करके माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में से हमारी फाइनल रीडिंग निकाल ली है। तो अब इस सवाल के बाद मैं आप लोगों को एक सवाल होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे नीचे प्रोवाइडेड स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी फाइनल रीडिंग निकालें। फाइनल रीडिंग निकालने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी रीडिंग टाइप करके भिजवाएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपको इस वीडियो से कितनी चीजें समझ में आई। तो आए अब हम अपने नेक्स्ट वर्क एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ भी अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हुए आए हम सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास इस बाउंड्री से पहले हमारी जो भी डिवीजन हमें क्लियरली नजर आ रही होगी, उसे हम अपनी मेन स्केल की फाइनल रीडिंग कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, हमारे पास ऊपर वाली डिवीजन होल यूनिट को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली डिवीजन हाफ यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, तो लास्ट क्लियरली विजिबल डिवीजन हमारे पास 16.5 वाली है। तो इसी वजह से हमारे पास हमारी मेन स्केल रीडिंग आ गई 16.5 मिलीमीटर। तो अब जब हमने अपनी मेन स्केल रीडिंग निकाल ली है, तो आए अब हम अपने सेकंड स्टेप के मुताबिक थिम्बल स्केल रीडिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हमारी थिम्बल स्केल की रीडिंग कुछ जूम इन करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम अगर हमारी इस मीन लाइन को कंसीडर करें,
तो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि हमारी मीन लाइन थिम्बल स्केल पे 28 डिवीजन के स्लाइटली बिलो है। तो यहाँ भी अगेन हमारे रूल के मुताबिक क्योंकि हमारी मीन लाइन थिम्बल स्केल पे 28 डिवीजन के स्लाइटली बिलो है तो हम अपनी 28 डिवीजन को कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि 98 डिवीजन को कंसिडर करेंगे। तो इसलिए अब हमारे पास हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग आ गई 19। और जैसे कि हमें मालूम कि हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग के पास कोई यूनिट नहीं होता तो इसलिए हम इसे DIV से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब डिवीजन होता है। तो आए अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमें हमारी थिम्बल स्केल रीडिंग को हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ हम हमारा लीस्ट काउंट लेंगे 0.01 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग इन मिलीमीटर्स है तो हमारे इस लीस्ट काउंट को हम हमारे थिम्बल स्केल रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आता है 0.19। तो लास्टली अगेन हमारे फोर्थ स्टेप के मुताबिक हम अपने थर्ड आंसर को हमारी मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे। तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आता है 16.69 मिलीमीटर। तो इस तरह अगेन हमने अपने स्टेप्स फॉलो करके माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में से हमारी फाइनल रीडिंग निकाल ली है। तो अब इस सवाल के बाद मैं आप लोगों को एक सवाल होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे नीचे प्रोवाइडेड स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी फाइनल रीडिंग निकालें। फाइनल रीडिंग निकालने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी रीडिंग टाइप करके भिजवाएं ताकि हमें पता चल सके कि आपको इस वीडियो से कितनी चीजें समझ में आई है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।